अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट टीचर्स पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, दिस इज साशर पाव विद अ न्यू टॉपिक प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी फ्रॉम द क्लास 11 चैप्टर नंबर फर्स्ट। इंतहाई इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड मेडिकल एंड इंजीनियरिंग टेस्ट के लिए, तो इसलिए इस टॉपिक पे आपको फोकस देनी पड़ेगी आपने। और इससे पहले जो हमारी रेडियो है वो है सिस्टमेटिक एंड रैंडम एरर। तो सिस्टमेटिक और रैंडम एरर इनका ताल्लुक इन दोनों प्रिसीजन और एक्यूरेसी के साथ बहुत ही क्लोज ताल्लुक है, इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले वो वाली वीडियो आपने देखनी चाहिए ताकि आपके कंसेप्ट कम्प्लीटली क्लियर हो। तो हमारे पास प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन देखिए इसको हम डिफाइन किस तरह करते हैं। द क्लोजनेस ऑफ एग्रीमेंट between the different measurements of the same quantity under the same environmental condition। प्रिसीजन का क्या मतलब है? प्रिसीजन का मतलब है कि जब हम मेजरमेंट्स लेते हैं, डिफरेंट मेजरमेंट लेते हैं सेम एनवायरमेंट में और एक ही क्वांटिटी के, और फिर हम देखते हैं कि वो जो हमने मेजरमेंट्स ली वो आपस में कितने क्लोज है, आपस में कितने करीब है। इस क्लोजनेस ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट को हम प्रिसीजन कह सकते हैं, हम कहते हैं इसको प्रिसीजन। तो मतलब है कि प्रिसीजन जो है हमारे पास इसका ताल्लुक एक्चुअल वैल्यू के साथ नहीं है, और इसका ताल्लुक है प्रिसीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट के साथ इसका ताल्लुक इनवर्स है, यानी जब हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे जिसका लीस्ट काउंट कम हो तो उसमें प्रिसीजन ज्यादा होती है। अब इसका मतलब क्या, मैं आसान तरीके से इसको समझाना चाहूंगा। सपोज हमारे पास एक मीटर रोलर है, हमारे पास एक रोलर है ये, और इस रोलर पे लेट सपोज मार्क्स है 0 से लेकर यहाँ पे 2, 4, 6, 8 वगैरह वगैरह, ठीक है। और इस पे हम मेजरमेंट करते हैं, सपोज 3 मेजरमेंट हम लेते हैं। पहला हमारे पास मेजरमेंट है, एक पेन है उसकी लंबाई सपोज हम लेते हैं, और ये सपोज ये सारे सेंटीमीटर्स में दिए गए हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेंटीमीटर। हमारे पास मेजरमेंट है सपोज 4 सेंटीमीटर। तो दूसरा मेजरमेंट जब हम लेते हैं तो इस 4 का नजदीक तरीन मेजरमेंट कौन सा हो सकता है, आप सोचे जरा। देखिए दूसरा मेजरमेंट हमारे पास हो सकता है आपके ख्याल में क्या, मेरे हिसाब से ये 2 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर हो सकता है। मतलब क्या है, मतलब इसका ये है कि मतलब 3 सेंटीमीटर तो हम ले नहीं सकते क्योंकि हम इस इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा काबिल तो नहीं है, हम इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा अच्छा मेजरमेंट नहीं कर सकते। क्लियर हुई बात? तो इसलिए अगर हम जितना भी कोशिश करें तो हमारा दूसरा जो मेजरमेंट है वो या तो 2 सेंटीमीटर यानी 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दिस मेजरमेंट, यानी इस मेजरमेंट से हमारा दूसरा मेजरमेंट जो है वो कम अज कम 2 सेंटीमीटर दूर होगा, या 6 होगा या 2 होगा, इससे नजदीक नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि इसका वजह है कि यहाँ पे जो लीस्ट काउंट है इस इंस्ट्रूमेंट का, इस रोलर का, वो कम से कम 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर।
तो इससे ज्यादा नजदीक मेजरमेंट तो हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर है हमारे पास लीस्ट काउंट, तो इसलिए इन दो मेजरमेंट का जो क्लोजनेस है वो सिर्फ 2 ही सेंटीमीटर हो सकता है, इससे ज्यादा नजदीक दो मेजरमेंट नहीं हो सकते। अब अगर इसकी जगह सपोज मैं एक और रूलर लूँ और उस रूलर पे मार्क्स हो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्लियर। अब अगर एक मेजरमेंट हमारे पास सपोज वो वाला मेजरमेंट मैं लेता हूं, ये 4 सेंटीमीटर, तो दूसरा एक्सपेक्टेड जो इसके क्लोज हो वो कौन सा हो सकता है? ये क्लियर बात है। M2 हमारे पास या 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पे क्लोजनेस स्टडी करें और यहां पे क्लोजनेस है, मतलब 3 जो है 4 के साथ ज्यादा क्लोज है एज कंपेयर टू 2 सेंटीमीटर। यहां पे इन दोनों के जो बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? वो कम से कम एटलीस्ट मतलब 2 सेंटीमीटर, यहां पे 1 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां पे जो हमारे पास लीस्ट काउंट है वो हमारे पास कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो मतलब ये लीस्ट काउंट कम है इस लीस्ट काउंट से, इसलिए यहां पे इन दो मेजरमेंट्स में प्रिसीजन कम है। लीस्ट काउंट ज्यादा हो तो क्लोजनेस बिटवीन द टू मेजरमेंट्स विल बी लार्जर, राइट। अगर लीस्ट काउंट कम हो तो क्लोजनेस ज्यादा होगी, दैट इज वाई लीस्ट काउंट अगर ज्यादा हो तो प्रिसीजन कम होगी। क्लियर हुई बात? अब किसी मेजरमेंट में, एक सिंगल मेजरमेंट में हम प्रिसीजन कैसी देखेंगे? लीस्ट काउंट को देखकर। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल मैं देता हूं, एग्जांपल व्हिच वन इज मोर प्रिसाइज, 2 मेजरमेंट है, एक है हमारे पास सपोज 10.0 सेंटीमीटर एंड 10.00 सेंटीमीटर, कौन सा वाला ज्यादा प्रिसाइज है सोचें। यहां पे हमारे पास अगर हम देखें तो लीस्ट काउंट हमारे पास है 0.1 सेंटीमीटर, यहां पे हमारे पास है लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पे लीस्ट काउंट ज्यादा है इसके मुकाबले में, तो प्रिसीजन यहां पे कम होगी और यहां पे प्रिसीजन ज्यादा होगी, क्योंकि वजह क्या है? वजह यह है कि यहाँ पे लीस्ट काउंट ज्यादा है तो प्रिसीजन कम, यहाँ पे लीस्ट काउंट कम तो प्रिसीजन ज्यादा हो, तो इसलिए प्रिसीजन का ताल्लुक जो है वो लीस्ट काउंट से है। क्लियर। दूसरे हमारे पास है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है? व्हाट इज एक्यूरेसी? और एक पॉइंट और भी नोट करें कि प्रिसीजन किस वजह से पैदा होती है, ये हमेशा रैंडम एरर की वजह से पैदा होती है, ठीक है। हमारे पास है नेक्स्ट एक्यूरेसी। व्हाट इज एक्यूरेसी? एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी द क्लोजनेस ऑफ एग्रीमेंट between the individual measurement and the true value is called accuracy. दूसरा हमारे पास है accuracy, और accuracy का क्या मतलब है कि हम एक तो प्रिसीजन में याद रखें कि उसमें लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट हम लेते हैं, ठीक है। दूसरी यहाँ पे एक्यूरेसी के लिए हम एक ही मेजरमेंट के लिए भी बात कर सकते हैं, हमने ये देखना है कि ये जो हमने मेजरमेंट की ये मेजरमेंट एक्चुअल वैल्यू के साथ कितना क्लोज है और कितना दूर है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी का ताल्लुक है
देखिए एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर का क्या मतलब है? व्हाट इज फ्रैक्शनल एरर? फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू एरर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। एरर का मतलब है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। क्लियर हुई बात? तो अगर यहां पे हम पुट कर दें एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन ओवर लीस्ट काउंट डिवाइड बाय मेजर वैल्यू, तो इस रिलेशन से कुछ इस तरह रिलेशन बनेगा, एक्यूरेसी इज इनवर्सली इज प्रोपोर्शनल टू मेजर वैल्यू डिवाइडेड बाय लीस्ट काउंट। इसको हमने उल्टा करके ऊपर लेके आया मेजर वैल्यू। अब देखो एक्यूरेसी का डिपेंड दो बातों पे है, एक है मेजर वैल्यू, दूसरा है लीस्ट काउंट। ठीक है, इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन कर देता हूं कि पहले मैं लेता हूं कि लीस्ट काउंट अगर कांस्टेंट हो, इस इक्वेशन की तरफ आप देखें एफ ऑफ लीस्ट काउंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर लीस्ट काउंट कांस्टेंट हो, दिस इंप्लाइज दैट accuracy is proportional to the measured value. अगर least count constant हो तो फिर accuracy का ताल्लुक directly measured value से है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ यूं है कि suppose हम एक ही instrument use करते हैं और दो measurement हम लेते हैं, different measurement. Suppose मैं दो मेजरमेंट लेता हूं, एग्जांपल के साथ इसे क्लियर करवाना चाहता हूं। सपोज हमारे पास दो मेजरमेंट्स हैं, एक है 25.5 सेंटीमीटर, दूसरा है हमारे पास 125.5 सेंटीमीटर। अब दोनों में देखिए लीस्ट काउंट कांस्टेंट है, क्योंकि यहां पे इन दोनों ही मेजरमेंट का जो लीस्ट काउंट है ये है हमारे पास लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, जो कि कांस्टेंट है दोनों के लिए क्योंकि हमने एक ही इंस्ट्रूमेंट यूज किया। अब देखो मेजर्ड वैल्यू दोनों में क्या है, इसमें देखिए इसमें मेजर्ड वैल्यू जो है मेजर्ड वैल्यू वो हमारे पास है 25.5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है। यहां पे देखिए हमारे पास मेजर्ड वैल्यू जो है वो है 125.5 सेंटीमीटर। कौन सा वाला ज्यादा है? 125.5 ज्यादा है, तो मेजर वैल्यू जब ज्यादा हो यहां रिलेशन देख तो एक्यूरेसी ज्यादा होगी। मतलब है यहां पे अगर हम देखें तो ये जो मेजर वैल्यू है हम इस तरह लिख सकते हैं कि यहां पे 1 सॉरी यहाँ पे मैं इस तरह लेता हूँ, ये हमारे पास वन मेजर्ड वैल्यू है, ये सेकंड है। तो देखिए मेजर्ड वैल्यू वन इज लेस देन मेजर्ड वैल्यू टू, दिस इंप्लाइज दैट एक्यूरेसी वन, दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, विल बी लेस देन एक्यूरेसी टू, तो इस मेजरमेंट में एक्यूरेसी ज्यादा होगी। इसलिए एक्यूरेसी किसी मेजरमेंट की एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए आपने लार्जर मेजरमेंट लेना है। क्लियर हुई बात? अच्छा, अब सेकंड यहां पे देखिए सेकंड एफ ऑफ एक्चुअल वैल्यू सॉरी मेजर वैल्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट, बात हम उल्टा लेते हैं, दिस इंप्लाइज दैट एक्यूरेसी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट। अगर मेजर्ड वैल्यू कांस्टेंट हो, ठीक है मेजर्ड वैल्यू में एक ही बॉडी के हम मेजरमेंट लेते हैं तो फिर एक्यूरेसी और लीस्ट काउंट का इनवर्स रिलेशन है। और एग्जांपल क्या होगा देखिए आप, इसका एग्जांपल ये हमारे पास एग्जांपल की तरफ आप देखिए, सपोज हमारे पास दो मेजरमेंट है, एक है
10.0 सेंटीमीटर और दूसरा है 10.00 सेंटीमीटर। अब देखो मेजर्ड वैल्यू जो है वो एक ही है और वो मेजर्ड वैल्यू हमारे पास क्या है, देखें मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास लीस्ट काउंट 1 इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, यहाँ पे जो लीस्ट काउंट है वो है हमारे पास लीस्ट काउंट 2 वो है हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर। अब 0.01 ये लीस्ट काउंट कम है स्मॉलर है इसलिए हमारे पास जो एक्यूरेसी है इस मेयर में एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि लीस्ट काउंट 1 इज लेस देन ग्रेटर देन least count 2, this implies that accuracy in this measurement will be greater than accuracy in 1. यहाँ पे accuracy इस measurement में ज़्यादा हुई क्योंकि least count कम है, ठीक है, यहाँ पे कम हुई क्योंकि least count ज़्यादा है। तो ये वजह है कि ये दो बातें आपने याद रखनी चाहिए कि measured value को बढ़ाने से हम एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं या लीस्ट काउंट को छोटा लेने से, क्लियर हुई बात। एग्जांपल में इस तरह कंबाइंड एग्जांपल इस तरह होता है कि सपोज अगर हमारे पास 20.0 सेंटीमीटर हो, ठीक है, और दूसरा हो हमारे पास 5.00 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू कम है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो लीस्ट काउंट हमारे पास ज़्यादा है, यहाँ पे लीस्ट काउंट छोटा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने दोनों ही बातों को कंपेयर करना पड़ेगा, देखिए ये हमारे पास मेजर्ड वैल्यू इससे ज़्यादा है, ठीक है, और जो प्रिसीजन है जो लीस्ट काउंट है वो भी ज़्यादा है, तो मेयर वैल्यू के हिसाब से ये ज़्यादा एक्यूरेट है लेकिन लीस्ट काउंट के हिसाब से ये ज़्यादा एक्यूरेट है। तो इसलिए मेरे हिसाब से इन दोनों की एक्यूरेसी सेम है। तो इस तरह इसके बाद हम इस पे एमसीक्यूज करेंगे, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो इस वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट भी करें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें अप्रिशिएट करें। थैंक यू।